माय नेम रजनीश पाटीदार, लक्ष्य MBBS ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी, और अभी हम हैं दवा मेडिकल फाउंडेशन के पुणे कैंपस के अंदर, जहां आज हम पूरा कैंपस विजिट करेंगे। यहां पर जनरली बच्चे फर्स्ट ईयर का अपना जो कोर्स कंप्लीट करते हैं BS कोर्स, आफ्टर दैट यहां से फिर फिलीपींस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पुणे का कैंपस कैसा है और बच्चे यहां पर कैसे सब कुछ इस तरह। सारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेटिंग हॉल एंड द डायरेक्टर्स ऑफिस, एवरीथिंग सारा कुछ इधर दिख रहा है। देन यहाँ से हम आगे चलते हैं क्लासरूम की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर जिम का सारा फैसिलिटी है। थर्ड स्टेप का प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा। यहाँ ओरिजिनल बॉडी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा एवरीथिंग, और आप अपना जगह पे सारा चीज़ें समझ सकते हैं। ओरिजिनल बॉडी थर्ड स्टेप पे, ओरिजिनल बॉडी जो डेड बॉडी होती है उसको हम पूरा कैसे समझना है, उसका कैसे स्ट्रक्चर है एवरीथिंग, तो ओरिजिनल बॉडी के ऊपर। तो तीन स्टेप इनका बहुत अच्छा है, फर्स्ट स्टेप सारा आर्गन, सेकेंड डमी बॉडी, एंड थर्ड इज डेड बॉडी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। Pudima Rao. I have done it from Philippines Davao Medical School Foundation. So I have completed it from batch 2013, and I have graduated in December 2017. I have done MCI FMG in first attempt in July 2018, and then did my internship in Mumbai. I'm from Mumbai basically, and then preparing for post graduation. आपका experience कैसा रहा दवाओ को लेकर, जो काफी सारे student को रहता है कि किस university में हम decision लें, Philippines जाएं या Philippines में भी कहाँ जाएं, तो दवाओ को लेकर आप student को क्या message देना चाहेंगे? नहीं, it's a very beautiful country, and they will take each and every step to, like, you should know everything. So there are international books which we refer, and उसके साथ they give us clinical knowledge also. So everything, we have fourth year exposure for private as well as government hospitals for everything. MCI preparation kaisa hota hai? It was for around 4 to 6 months. Here only we came. We had classes here only. We used to get doctors from Delhi. They used to call, and then we did it here only. It was very good. And it's basically, I am not exaggerating, but it's better than Russia and China, because I have seen people not clearing their MCI because lack of exposure, clinical exposure as well as theoretical exposures in the
प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, जैसे फर्स्ट ईयर से यहाँ देख रहे हैं हम कैंपस में सब कुछ है, तो आपने फर्स्ट ईयर यहाँ भी पढ़ा देन फिलीपींस भी, तो आपको क्या रहा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है दवाओं में? प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाज आल्सो लाइक फ्रॉम बेसिकली दे स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओनली राइट, सो वी हैव एन आइडिया दैट वी आर गोना स्टडी दिस अगेन एंड देन वी नो ऑलरेडी सम थिंग्स एंड आफ्टर गोइंग देयर आल्सो दे टेक इट लाइक दे टीच अस वेरी नाइसली. देन फूड को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि हमें 5 ईयर यहीं पे फूड वगैरह लेना है, तो फूड को लेकर आपका क्या अनुभव रहा कि खाना वगैरह कैसा होता है फिलीपींस में? देन हैव देयर ओन मेस राइट, दिस पीपल हैव देयर ओन मेस सो दे गिव इंडियन फूड ओनली, देयर आर इंडियन रेस्टोरेंट्स आल्सो. या मेस में खाना लेना कंपलसरी है, बाहर भी ले सकते हैं? मेस में फॉर वी वर लाइक फॉर सेकंड ईयर सेकंड सेम तक वी डिड द मेस एंड देन वी शिफ्टेड आउट. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए कंप्लीट किया है? Yes. आपके साथ कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने एमसीए एग्जाम दिया होगा? 207 का बैच था एंड ऑलमोस्ट 198 पीपल पास्ड. 207 में से 198 मतलब उतना अच्छा पूरे वर्ल्ड में शायद एमसीए का रेशियो कहीं नहीं है. चलिए ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिला है कि एमसीआई का पासिंग रेशियो एंड एवरीथिंग, फूड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज एवरीथिंग गुड. थैंक यू. मैं थर्ड स्टेप के बारे में आपको बता रहा था. फर्स्ट स्टेप हमने देखा ऑर्गन्स को, सेकंड स्टेप में हमने डमी बॉडी. ये जो हॉल है यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे जनरली बच्चों का क्वेश्चन होता है हमें डमी बॉडी मिलेगी डेड बॉडी मिलेगी, तो दवाओं का सबसे अच्छा लगा मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप प्रैक्टिकल बॉडी को फील कर सकते हैं, अंदर डेड बॉडीज ऑलरेडी रखा हुआ है उसके ऊपर फिर बच्चे अपना प्रैक्टिकल सारा कुछ समझते हैं. तो काफ़ी अच्छा लगा पुणे कैंपस में घूमकर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर एवरीथिंग लैब एंड हॉस्टल एंड क्लासरूम्स फूड एवरीथिंग सब कुछ शानदार है. तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फिलीपींस के अंदर दवाओं का डिसीजन जो कि आपने सब कुछ देखा भी, एमसीए का रिजल्ट्स के बारे में भी हमने बात किया, एवरीथिंग इज़ गुड. आप हमारे लक्ष्य में भी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. थैंक यू.